केरल में अभी तक ये माना जा रहा था कि इस बार इतिहास बदलने वाला है। 5 साल से सत्ता में रहा वामपंथी गठबंधन वापसी कर सकता है। राज्य के सीएम पी विजयन का आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का जो कारण है वो है कुछ दिनों पहले हुए पंचायत और निकाय चुनाव, जिसमें एलडीएफ को जबरदस्त जीत मिली थी। लेकिन ये आत्मविश्वास अब एलडीएफ पर भारी पड़ता दिख रहा है। तो विजयन की किस रणनीति से मुश्किल में फंस गया है एलडीएफ, देखिए ये रिपोर्ट। केरल विधानसभा चुनाव से पहले अभी तक जितने भी चुनावी सर्वे आए हैं उनमें एलडीएफ की बड़ी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये सब तब था जब एलडीएफ के सबसे बड़े घटक सीपीएम में टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद हालात बदल चुके हैं। सीएमपी में जबरदस्त बगावत देखी जा रही है, पार्टी में असंतोष बाहर आता दिख रहा है और ये सब हुआ है पी विजयन की नीतियों के कारण। सीपीएम ने इस बार टू टर्म नॉर्म के नाम पर 5 मंत्रियों सहित 25 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं वो विजयन विरोधी खेमे के माने जाते हैं। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जो विधायक पार्टी में विजयन से सवाल करते थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। केरल में इस समय सीपीएम में दो मजबूत नेता माने जाते हैं, जिनमें पी विजयन के अलावा दूसरा नाम पूर्व सीएम बीएस अच्युतानंदन का है। अच्युतानंदन पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन विजयन ने टू टर्म नॉर्म के सहारे अच्युतानंदन समर्थक सभी विधायकों को भी किनारे लगा दिया है। पिनराई सरकार में वित्त मंत्री रहे टीएस थॉमस इसाक हो या फिर ए के बालन और जी सुधाकरण या फिर विधानसभा स्पीकर पी रामकृष्णन, इन सबके टिकट काट दिए गए हैं। लेफ्ट के गढ़ कुन्नूर से मंत्री पी जयराजन का टिकट कटने पर उनके समर्थकों का गुस्सा सड़क पर देखा जा रहा है। ये हालात पूरे राज्य में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी को भी अब साफ साफ लगने लगा है कि ये असंतोष जल्द नहीं थमा तो केरल में सत्ता वापसी मुश्किल हो जाएगी। सीपीएम में असंतोष फैला तो कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस की ओर से भी अब इन सीटों के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस की रणनीति तय है कि यदि सीपीएम को उसके गढ़ में घेर लिया गया तो केरल में जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। विजयन के फैसले ने कांग्रेस को मौका दे दिया है। एलडीएफ के गठबंधन सहयोगी भी इसे स्वीकार कर रहे हैं कि विजयन का अति आत्मविश्वास केरल में गठबंधन की संभावनाओं पर भारी पड़ सकता है और अब तक एलडीएफ को जो बढ़त मिलती दिख रही थी वो कड़े मुकाबले में बदल चुकी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।